और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मॉडर्न कॉलेज में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कार्यक्रम, ह्यूमैनिटी इन साइंस के जरिए वैज्ञानिक सोच अपनाने पर जोर। वासी के कर्मवीर भाऊराव पाटिल कॉलेज में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर आयोजित ह्यूमैनिटी इन साइंस कार्यक्रम में BARC के कई वैज्ञानिकों ने छात्रों का मार्गदर्शन किया। वक्ताओं ने यहां छात्रों को विज्ञान को और भी विकसित बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए भी प्रेरित किया। प्रिंसिपल VR शिवनकर ने कहा कि अज्ञान एवं रूढ़िवाद से मुक्त विकसित समाज के लिए आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विवेकवाद को अपनाने की जरूरत है। इसी सिद्धांत पर रैयत शिक्षण संस्थान स्थापित हुआ और 100 वर्षों से अपनी शैक्षणिक और सामाजिक सेवाएं दे रहा है। 28 फेब्रुवारी 1928 या दिवशी भारतरत्न डॉक्टर CV रामन यांनी रामन इफेक्टचा शोध लावला, त्या प्रित्यर्थ आजचा दिवस हा राष्ट्रीय विज्ञान दिन म्हणून आपण दरवर्षी साजरा करत असतो। आज आपण पाहतो समाजामध्ये बऱ्याचशा अवैज्ञानिक घटना आपण घडताना पाहत आहोत, पदोपदी अशा घटना आपल्याला बघायला मिळत आहेत। म्हणजे माणसं आर्थिकदृष्ट्या जरूर श्रीमंत झाली असतील, परंतु वैज्ञानिकदृष्ट्या मात्र बऱ्याच वेळा बऱ्याच ठिकाणी कंगाल होतानाही आपण पाहतो आहोत। कारण म्हणजे आपण सर्वांनी विज्ञानाची दृष्टी आपण स्वीकारली पाहिजे आणि त्यासाठी आपण विवेकवाद स्वीकारला पाहिजे। म्हणजे विवेकवाद खरं म्हणजे विज्ञान शाखेचीच एक विचारधारा आहे आणि आपलं जर वैचारिक पर्यावरण जर आपल्याला स्वच्छ ठेवायचं असेल तर आपण वैज्ञानिक दृष्टिकोन आपण स्वीकारला पाहिजे असं मला यावेळी वाटतं। आणि खरं म्हणजे वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्वीकारूनच रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना कर्मवीर डॉक्टर भाऊराव पाटील यांनी केलेली होती। या राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त आमच्या महाविद्यालयातील मुलांनी विविध कार्यक्रम आयोजित केलेले आहेत। या दिवसानिमित्तच आपण दुसरा एक कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे, इंटरनॅशनल इयर ऑफ पिरियॉडिक टेबल, म्हणजे आवर्त सारणीचं हे आंतरराष्ट्रीय वर्ष आहे आणि त्यानिमित्तानेही विविध कार्यक्रम महाविद्यालयाच्या प्रांगणात आमच्या विद्यार्थ्यांनी साजरे केलेले आहेत। बता दें की नॅशनल सायन्स डे कार्यक्रम का आयोजन कर्मवीर भाऊराव पाटिल कॉलेज के भौतिक शास्त्र विभाग द्वारा नई मुंबई साइंस फाउंडेशन की मदद से किया गया था। संकाय प्रभारी ने बताया कि यहाँ 118 आविष्कृत एलिमेंट की प्रदर्शनी लगाई गई, साथ ही 18 महिला वैज्ञानिकों की जानकारी देने उनकी रंगोली सजाई गई थी। उन्होंने छात्रों की सहभागिता के लिए भी धन्यवाद दिया। यहाँ कॉलेज में ह्यूमन पीरियडिक टेबल का आयोजन किया था, उसके अंतर्गत जो 118 जो एलिमेंट डिस्कवर हुए अंडर द पीरियडिक टेबल, उसके सब बच्चों का एक एक करके 118 एलिमेंट्स का हमने स्टेप्स के ऊपर अरेंजमेंट करके ह्यूमन पीरियडिक टेबल बनाया था। और इस साल का जो थीम है दैट वुमन इन द साइंस, उसके अंतर्गत हमने 18 जो महिलाएं है, महिला साइंटिस्ट है, नोबल विनर्स, उनका भी हमने प्रेजेंटेशन किया था। इस अवसर पर हमने रंगोली कंपटीशन का भी आयोजन किया था। और जो आज 28 फरवरी नेशनल साइंस डे है, उसका जो एक औचित्य है वो निकाल के हमने एक सीरीज, लेक्चर सीरीज भी अरेंज किया है। उसके अंतर्गत BARC के साइंटिस्ट, केमिस्ट्री, फिजिक्स और दी मेडिसिन, ये तीनों के जो फेमस साइंटिस्ट हैं उनका हमने लेक्चर सीरीज आयोजित किया है। और जो बच्चे इसमें जो पार्टिसिपेट हुए थे, सब बच्चों का मैं हर दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे प्रिंसिपल साहब डॉक्टर VR शिवनकर सर जी हैं, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी सहायता की। हमारे कन्वेनर मोहित सर, को कन्वेनर डॉक्टर वधवा सर और मेरे सब प्यारे बच्चे और मेरे फैकल्टी मेम्बर्स और स्टाफ, उनका भी मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। हमने DBT स्टार कॉलेज स्टेट्स के अंतर्गत हमने ह्यूमन पीरियडिक टेबल अरेंज किया, मानवीय पीरियडिक टेबल अरेंज किया। पीरियडिक टेबल में जो भी मूल द्रव्य आते हैं, जब
हमारी पृथ्वी बनी उस टाइम पे जो भी मूलद्रव्य बने वो मूलद्रव्य को हमने और जो सिंथेटिकली मूलद्रव्य बनाए गए ये मूलद्रव्य को हमने ह्यूमन रूप में प्रेजेंट किया। हर एक स्टूडेंट यानी कि एक मूलद्रव्य और उस स्टूडेंट ने उस मूलद्रव्य की इन्फॉर्मेशन लोगों को जानकारी अच्छी सी प्रेजेंट की। उसके अलावा DBT स्टार कॉलेज स्टेटस प्राप्त है इसके अंतर्गत हमने एक वुमन इन साइंस जो इस साल की साइंस की थीम है उसका एक प्रेजेंटेशन किया और उसके अलावा एक रंगोली कॉम्पिटिशन वुमन इन साइंस के साइंस को बेस रखते हुए किया। ये सब कार्यक्रम को अच्छा करने के लिए हमें डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सहायता मिली। उसके अलावा हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर वी एस शिवनकर सर उन्होंने बहुत सा हमें सहायता की। उसके बाद हमारे HOD मिस्टर वाई गायकवाड़ सर इनका सपोर्ट रहा। ब्यूरो रिपोर्ट TV1 इंडिया।